कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ई रिक्शा का आगे का हाइड्रोलिक सॉकेट चेंज करने के लिए बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने एक ई रिक्शा आई हुई है। इसका ये दोनों फ्रंट सॉकेट जो है हाइड्रोलिक सॉकेट, ये काम करना बंद कर दिया, जंप नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। इसको मैं आपको आज चेंज करूँगा। वीडियो पूरी देखेंगे, स्किप बिल्कुल ना करेंगे। करने के लिए सबसे पहले आपको यह जक लगा के इसको उठाना पड़ेगा और आगे का ये चक्का जो है ये खोलना होगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों पहले आप जक लगा के आगे का पोर्शन को आप उठा ले। देखिए इस तरह से आप जक लगाए, 20 सेंटर जब भी जक लगाए 20 सेंटर पर लगाए तो काम करने में आपको आसानी होगा। ये देखिए दोस्तों, ये चक्का जब उठाया, देखिए देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप जो है ये आगे का चक्का जो है इसको आपको खोल लेना है। ये नट लगी हुई है, चक्का को खोल ले दोस्तों। ये देखिए, ये सॉकेट है दोस्तों, ये सॉकेट में इसमें लगाया जाएगा दोस्तों। उस सॉकेट को खोल कर करके ये सॉकेट उसमें सेट किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। आपको चक्का पहले खोल लेना है दोस्तों। इस तरह से आपको चक्का को निकाल लेना है। ये थोड़ा कमज़ोर क्वालिटी का सॉकेट था ये दोस्तों, ये जो था हैवी क्वालिटी का दोस्तों। आप देख सकते हो, देखने से भी हैवी लग रहा है। ये चक्का इस तरह से आपको निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, ये मुड़गाड़ है, इस मुड़गाड़ को पहले आपको खोलना पड़ेगा। मुड़गाड़ में 4 बोल्ट लगी हुई रहती है। 13 नंबर कारीन से आप जो है, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से खोल लेना है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको मुड़गाड़ को बाहर निकाल लेना है दोस्तों। आपको करना है क्या दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ बोल्ट लगी हुई है। इसको 12 का रिंगनी से आपको इसको खोल लेना है दोस्तों। पहले मैं आपको सॉकेट का स्थिति दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए सॉकेट का कितना बुरा स्थिति है। सॉकेट बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है दोस्तों, इसीलिए मुझे वो सॉकेट लगाना पड़ रहा है। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों ये कितना हैवी सॉकेट है। इसकी जगह मैं ये सॉकेट लगाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बोल्ट लगी हुई है, 12 का रिंगनी से आपको इसको इस तरह से ढीला कर लेना है दोस्तों। पूरी तरह से नहीं खोलना है, सिर्फ ढीला करना है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको ढीला कर लेना है, इसमें सॉकेट आपका आसानी से निकल जाए। हो गया दोस्तों, अब मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, इस बोल्ट को भी दोस्तों आपको ढीला कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ढीला कर लिया, पूरी तरह से नहीं खुलना है। और थोड़ा सा इसको दोस्तों एक शाफ्ट के सहारे देखिए इस तरह से घुमा घुमा के दोस्तों आपको, देखिए दोस्तों मैंने निकाल लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सॉकेट कितना बुरा स्थिति है दोस्तों, इसी वजह से चेंज करना पड़ा। यहाँ देखिए पाइप पूरी तरह से कट चुका है, ये सॉकेट बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा दोस्तों। इसी तरह से आप सॉकेट को भी निकाल लीजिए दोस्तों। इसके लिए भी आपको यहाँ एक बोल्ट लगी हुई है, 12 का रिंगनिंग से ढीला कर लेना है इस तरह से। ढीला कर लिया दोस्तों, और ऊपर हल्का ढीला के वहीं तक फिर रोक देना। बस इसको ढीला कर ले दोस्तों।
तरीके से आपको देखिए दोस्तों, ये दोनों सोकर निकल चुका है दोस्तों। हमें दूसरा सोकर लगाना है। इसको अच्छी तरीके से आप कपड़ा से साफ कर ले दोस्तों, आराम से जो है ये सोकर नया सोकर ले ले। इस तरीके जिस तरह से आपने निकाला उस तरह से धीरे धीरे करके आपको इस तरह से इस तरीके से दोस्तों सोकर को ऊपर कर कर करके इस नट को आपको अच्छी तरह से टाइट कर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये जब भी रखे यहाँ देखिए दोस्तों, ये बराबर में रखे दोनों तरफ, एक एक साइज़ का रखे दोस्तों। इस तरह से आपको दे करके फिर ये नट को भी आपको टाइट कर देना है दोस्तों। देखा दोस्तों, यहाँ भी टाइट हो गया और यहाँ जो है इस नट को भी आपको टाइट कर देना है। देखिए दोस्तों, अभी साइड का भी इसी तरह से, इस तरह से आपने वहाँ लगाया है, इस तरह से इसको भी इस तरह से आप जो है इसको अच्छी तरह से टाइट कर दे दोस्तों। यहाँ ऊपर है किया इस तरह से, आपको किसी तरह से आपके इधर को भी कर देना है दोस्तों। देखा दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये दोनों तरफ जो है बिल्कुल एक रंग का रखे दोस्तों। चलिए अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अब इसको चेक कर रहे हैं कि दोस्तों ये एक्सल का धुरी है चक्का का, उसको आपको चेक करना है दोस्तों। यहाँ देखिए इस तरीके से डाल के आप चेक कर ले कि ऊपर आपका बराबर है या नहीं। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना आसानी से चला गया है। इसका मतलब है कि दोनों जो आप ऊपर में लगाए हैं बिल्कुल सही है। अगर ऊपर नीचे रहता तो ये सही से नहीं जाता, आपको नीचे या ऊपर होता, आपको सेंटर में ला के एकदम सेम टू सेम घुस जाए। इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। आपने देखा, उसके बाद आपको आराम से ये मुड़गाड़ लगा लेना है दोस्तों। तो मुड़गाड़ को इसमें जिस तरह से आपने खोला है इस तरीके से लगा लेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपका ये ई रिक्शा का आगे का सोकर हाइड्रोलिक सोकर ख़राब हो जाता है तो आप आसानी से अपने से खुद से बदल सकते हैं दोस्तों। चूँकि ये देखिए पुराना है, कहीं से लाए थे ये सोकर, लेकिन अच्छा था जिसने ला के दिया, मैंने लगा दिया। आप अगर आपका कोई पुराना अच्छा है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप नया सोकर लगाने के लिए आपको इसी तरह, मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको नया सोकर आपको लगाना है दोस्तों। आपने देखा चक्का खोलना है, जक उठा कर करके ये मुड़गाड़ को बाहर खोल लेना है, और यहाँ का ये नट जो देख रहे हैं दोस्तों, ये नट को और ऊपर जो नट लगे हुए दोस्तों इसको खोल लेना है। आप इसी तरह से बाहर आपको निकाल कर करके फिर उसी तरह से आपने निकाला उसी तरह से आप उसको लगा ले। और मैं अब इसको मुड़गाड़ टाइट करूँगा दोस्तों, उसका चक्का लगा दूंगा और ये एक साथ सोकर काम कम्प्लीट हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने एक नया चैनल बनाया कुंदन कुमार ब्लॉग्स। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप हमारे उस नए चैनल पर भी जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसकी वीडियो को देख के दोस्तों आप लाइक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए